नमो नारायण दोस्तों, आइए जानते हैं काला अष्टमी या काल भैरव जयंती कथा पूजा विधि एवं महत्व के बारे में। काला अष्टमी के दिन भैरव देव का जन्म हुआ था, इसलिए इसे भैरव जयंती अथवा काल भैरव अष्टमी भी कहा जाता है। भैरव देव भगवान शिव का रूप माने जाते हैं। यह उनका एक प्रचंड रूप है। यह भैरव अष्टमी, भैरव जयंती, काला भैरव अष्टमी, महाकाल भैरव अष्टमी और काल भैरव जयंती के नाम से जाना जाता है। यह भैरव के भगवान के जन्म दिवस के उपलक्ष में मनाया जाता है। भैरव रूप भगवान शिव का एक डरावना और प्रकोप व्यक्त करने वाला रूप है। काल का अर्थ होता है समय एवं भैरव शिवजी का रूप माना गया है। काल भैरव जयंती 2019 में कब मनाई जाएगी, आइए जानते हैं। हर माह की कृष्ण पक्ष की सभी अष्टमी को काल भैरव को समर्पित कर काला अष्टमी कहा जाता है। हर महीने की काला अष्टमी से ज़्यादा महत्व कार्तिक मास की काला अष्टमी को दिया जाता है। कार्तिक के ढलते चांद के पंखवाड़े में आठवें चंद्र दिन पर पड़ता है, अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन काला अष्टमी पर्व मनाया जाता है। नवंबर दिसंबर के माह में यह एक ही दिन आता है जिसे काला अष्टमी या काल भैरव जयंती कहते हैं। यह दिन पापियों को दंड देने वाला दिन माना जाता है, इसलिए भैरव को दंड पानी भी कहा जाता है। मान्यता अनुसार काले कुत्ते को भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि कुत्ता भैरव देव की सवारी है, इसलिए इनमें सस्या भी कहा जाता है। यह रूप देवताओं और इंसानों में जो भी पापी रहता है उसे दंड देता है। उनके हाथ में जो डंडा होता है उससे वो दंडित करते हैं। तो आइए जानते हैं काल भैरव जयंती व्रत कथा एवं महत्व के बारे में। एक बार त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु एवं महेश तीनों में कौन श्रेष्ठ, इस बात पर लड़ाई चल रही थी। इस बात पर बहस बढ़ती ही चली गई, जिसके बाद सभी देवी देवताओं को बुलाकर एक सभा बुलाई गई। यहाँ सबसे यही पूछा गया कि कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है। सभी ने विचार विमर्श कर इस बात का उत्तर खोजा, जिस बात का समर्थन शिव एवं विष्णु ने तो किया, लेकिन तब ही ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को अपशब्द कह दिए, जिसके कारण भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। शिव जी ने उस क्रोध से अपने रूप भैरव का जन्म किया। इस भैरव का अवतार वाहन काला कुत्ता था, जिसके एक हाथ में छड़ी थी। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी बुलाया जाता है, इसलिए इनको दंडाधिपति भी कहा गया। शिवजी के इस रूप को देख सभी देवी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के पांच मुखों में से एक मुख को काट दिया। तभी से ब्रह्मा के पास चार मुख हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफ़ी मांगी। तब शिव जी ने अपने असली रूप में आ जाते हैं और भैरव बाबा को उनके पाप के कारण दंड मिला। इसलिए भैरव को कई समय तक एक भिखारी की तरह रहने पड़ा। इस प्रकार वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंड पानी पड़ा। इस प्रकार
भैरव जयंती को पाप का दंड मिलने वाला दिवस भी माना जाता है। तो आइए जानते हैं भैरव जयंती पूजा कैसे की जाती है। यह पूजा रात्रि में की जाती है। पूरी रात शिव पार्वती एवं भैरव जी की पूजा की जाती है। भैरव बाबा तांत्रिकों के देवता कहे जाते हैं, इसलिए यह पूजा रात्रि में होती है। दूसरे दिन जल्दी उठकर पवित्र नदी में नहाकर श्राद्ध तर्पण किया जाता है, जिसके बाद भगवान शिव के भैरव रूप पर राख चढ़ाई जाती है। इस दिन काले कुत्ते की भी पूजा की जाती है। उसे भोग में कई चीजें दी जाती हैं। इनकी पूजा करने वाले को किसी चीज का भय नहीं रहता और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। पूजा के समय काल भैरव की कथा सुनना बहुत आवश्यक होता है। इस प्रकार यह पूजा संपन्न की जाती है। कहते हैं कि काल भैरव को पूजने वाले को वो परम वरदान देते हैं, उसके मन की हर इच्छा पूर्ण करते हैं। जीवन में किसी तरह की परेशानी, डर, बीमारी, दर्द को काल भैरव दूर करते हैं। कश्मीर की पहाड़ी पर वैष्णो देवी का मंदिर है, जिसके पास काल भैरव का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जब तक भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए जाते, तब तक वैष्णो देवी के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता।